वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ की टॉप 5 ऐसी फिल्में जो यमराज पे बनी है। हाँ, ऐसी बहुत ही कम फिल्में जो इस टॉपिक पे बनी होगी। तो हम ऐसी टॉप 5 लिस्ट जो आपके लिए लेके आए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो नंबर 5 पर है यमु डिकी मोगोडू। 2012 में रिलीज हुई फैंटेसी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे अलारी नरेश और रिचा पनाई। आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है और 83% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म यमराज पे बेस्ड फिल्म है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। और नंबर 4 पर है जमलोक। 2010 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे सोनिया दीप्ति और शिवाजी। आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है और 78% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म कॉमेडी और ड्रामा से भरी हुई फिल्म है। फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर है यमा डोंगा। 2017 में रिलीज हुई फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे जूनियर एनटीआर और ब्रह्मानंदम। आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 7.3 की रेटिंग दी है और 88% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में आपको जूनियर एनटीआर नजर आएंगे। ये एक फैंटेसी और थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देख रखी होगी। ये फिल्म आपको YouTube पे लोक परलोक नाम से YouTube पर मिल जाएगी। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है तकदीर वाला। 1995 में रिलीज हुई ये एक बॉलीवुड की फिल्म है और ये ड्रामा फिल्म है। इसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे वेंकटेश और रवीना टंडन। आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है और 79% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देख रखी होगी। ये एक ड्रामा बॉलीवुड की फिल्म है। इस फिल्म में आपको वेंकटेश जो साउथ के हीरो है वो आपको नजर आएंगे। तो नंबर 1 पर जाने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही आपकी टॉप 5 लिस्ट लाते रहेंगे। तो नंबर 1 पर है, आपको सबको पता ही होगा, जीने नहीं दूंगा। 2012 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे रवि तेजा और तापसी पन्नू और ब्रह्मानंदम। आईएमडीबी की रेटिंग की बात करें तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 5 की रेटिंग दी है और 85% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। आप में से बहुत ही लोगों ने ये फिल्म देख रखी होगी। ये फिल्म बहुत बार टीवी पर भी आ चुकी है, इसलिए आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। बहुत लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है। अगर आपको भी ये फिल्म पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको हमारी ये टॉप 5 लिस्ट कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।